हेलो दोस्तों, वी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें जो हमारा मोस्ट रनिंग मोस्ट हॉट बॉन्डिंग मशीन है, जिसका मॉडल नंबर है KD891LI। यहाँ पे स्क्रीन पर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा बहुत ही फेमस मॉडल है, तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और इसके स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें हमने जो प्रेशर है उसको 4 टाइम कंट्रोल करके इनपुट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे टोटल प्रेशर है, अप प्रेशर, डाउन प्रेशर, बॉन्डिंग प्रेशर है, तो मोस्टली ये जो प्रेशर है उसको 4 टाइम कंट्रोल किया गया है, जिससे कि जब बॉन्डिंग हो रही है तब एकदम प्रिसाइज प्रेशर आपको मिलेगा। ओके? तो कुछ कुछ मशीन्स में हमने देखा है कि ओनली सिंगल कंट्रोल होता है प्रेशर के लिए, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी प्रेशर वैरी होता रहता है। ये प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं होगी। दूसरा फीचर मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हेड टूल कहते हैं। यह टाइटेनियम मटेरियल से बनाया हुआ है। इसकी विड्थ 68 मिलीमीटर है और इसकी बॉन्डिंग टिप है वो 1.3 mm रहता है। तो इससे आपका बॉन्डिंग एकदम शार्प बॉन्डिंग होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। इसके बाद यहाँ जो मेन पार्ट है बॉन्डिंग मशीन में वो है हेड अलाइनमेंट। ये जो सारी प्लेट्स आप देख रहे हैं वो हेड अलाइनमेंट असेंबली है, जिसमें ये जो प्लेट्स हैं वो हार्ड स्टील से बनाई हैं, जिससे इस मशीन का अलाइनमेंट लंबे समय तक एज इट इज़ रहता है। लंबे समय तक बॉन्डिंग की जो क्वालिटी है और उसका अलाइनमेंट है वो लंबे समय तक वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये मेन चीज़ है जो है अलाइनमेंट, उसका काफ़ी हमने ध्यान रखा हुआ है कि ये आपको लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस देता रहे। नेक्स्ट फीचर जो है वो है मल्टीपल प्रोफाइल्स। ये जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, इसको HMI कहते हैं। इसमें हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स रखे हुए हैं, जिससे आप कोई भी प्रकार का कॉफ ईजिली बॉन्डिंग कर सकते हो। कभी आप नया कॉफ यूज़ करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल का सब डेटा है, मींस कितने टाइम तक उसको हीटिंग देना है, कितने टाइम तक उसको कूलिंग देना है, कितने टेम्परेचर तक हीट देना है, ये सब डेटा को प्रोफाइल में डाला हुआ है। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल मोस्टली 10 में से 8 केस में यह प्रोफाइल यूज़ होता है। कभी आप पुराना कॉफ यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2nd नंबर प्रोफाइल रखा है, जो ओल्ड स्पेशल प्रोफाइल है। इसके अंदर आप पुराना प्रोफाइल भी इजीली बॉन्डिंग कर सकते हो। 3rd प्रोफाइल बिग कॉफ का है, तो सिंगल कॉफ जो 32 इंच के पैनल में आता है, जो बिग साइज का होता है, तो उसको बॉन्डिंग करने के लिए बिग कॉफ प्रोफाइल है। यहाँ पे 4 नंबर का प्रोफाइल है, वो 4K पैनल के लिए है। 4K पैनल में ट्रैक्स बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो उसके लिए 4 नंबर का प्रोफाइल रखा हुआ है। ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोफाइल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कॉफ का बॉन्डिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिससे कोई भी प्रोसेस जो है वो आपको 100% सक्सेस होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग करने के लिए मोड दिए हुए हैं। ये ACF अटैच फंक्शन है, जिससे हम जो ACF टेप है वो ग्लास और PCB के ऊपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्री बॉन्ड मोड है, जो कि फाइनल बॉन्डिंग से पहले उसको प्री बॉन्ड करते हैं, और फिर उसको फाइनल बॉन्डिंग देने के लिए यहाँ पर ग्लास ऑप्शन है। PCB साइड का जब बॉन्डिंग होता है तो उसके लिए यहाँ पे PCB सेलेक्ट करते हैं, जिससे PCB साइड का बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे हेड कूलिंग और हीट अप डाउन जैसे ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो ये HMI में हमने मल्टीपल प्रोफाइल ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो टेम्परेचर कंट्रोलर है, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो करंट रूम टेम्परेचर है। जब कमांड देते हैं तो यहाँ पर टारगेट टेम्परेचर आएगा, और जैसे ही टारगेट मिलेगा यहाँ पे उस टारगेट को अचीव करने के लिए टेम्परेचर राइज होने लगेगा। दूसरा, इसके अंदर PLC कंट्रोलर होता है, जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं, जो मेन सारे कमांड्स का कंट्रोल करता है। तो ये PID और PLC कंट्रोलर मींस टेम्परेचर कंट्रोलर और HMI,
ये तीनों डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन बनाता है। इन तीनों के बीच में अगर ट्यूनिंग सही रहेगा तो बॉन्डिंग की जो साइकिल रन होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो एकदम प्रिसाइज होगा, जिससे बॉन्डिंग की क्वालिटी और स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए। ये PID कंट्रोलर और PLC का हमने इस प्रकार से सारा ट्यूनिंग किया होता है कि ये जो टेम्परेचर का जो टारगेट मिलता है, ये वही टारगेट पर जाके स्टेबल हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि 240 के ऊपर सेट किया है तो बहुत हाई जंप होता रहे, जैसे 260 पर जाए या फिर बहुत नीचे आ जाए, या फिर ऊपर जंप करके 260 से 270 तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने 240 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, सिर्फ एक दो डिग्री का डिफरेंस आएगा और फिर वही टारगेट पे वो सेट हो जाएगा। मैं आपको उसका एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 बटन प्रेस करने से बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे पहले इसको 170 डिग्री का टारगेट मिला। जैसे ही ये 170 अचीव होगा तो ये हेड डाउन होगा और बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। यहाँ अभी हीटिंग हो रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे 240 डिग्री का दूसरा टारगेट मिला। ये 240 के ऊपर जाके फिर टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ये ग्राफ भी एक्यूरेटली राइज हुआ पहले और फिर स्टेबल हुआ, फिर दूसरा टारगेट लिया, फिर फाइनल स्टेज पे जाके वहाँ पे वो स्टेबल हो गया था, फिर कूलिंग हुई और रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए ये टेम्परेचर प्रिसाइज होना ज़रूरी है। ये मशीन पल्स हीटेड मशीन है। इसके अंदर जो कंट्रोलर है उसके द्वारा पल्स के फॉर्म में हीटिंग मिलता है। मोस्टली जो मैनुअल टाइप के मशीन आते हैं उसमें डायरेक्टली हीटिंग होता है, मतलब कि हेड पहले से ही टारगेट पे हीट होता है और फिर वही हीट से वो कॉफ के ऊपर हेड डाउन होता है। उसमें कॉफ आईसी को डायरेक्टली हाई टेम्परेचर मिल जाएगा, उससे कॉफ के फैलने के चांसेस रहते हैं, जो कि पल्स हीटेड मशीन में ये काफ़ी प्रिसाइजनेस मिलता है। इसमें पल्स के द्वारा हीटिंग मिलता है जिससे कॉफ एक्यूरेटली स्प्रेड होता है और परफेक्टली ट्रैक टू ट्रैक बॉन्डिंग होता है। ये हमारा वन ऑफ द फीचर्स है, टेम्परेचर कंट्रोलर। हमारा ये जो KD891 वर्जन 2.0 मशीन है, उसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें मशीन के बैक साइड पर ये XY मूवमेंट वाला असेंबली रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये माइक्रोस्कोप यहाँ पर है, और ये माइक्रोस्कोप जो है वो पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी ऐसे मूव हो सकता है XY डायरेक्शन में, जिससे आप कोई भी बड़े साइज के पैनल को भी ईजिली ऑब्जर्व कर सकेंगे। यहाँ पे पैनल को मूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरा, यहाँ पर बैकलाइट दी है तो ये आपका बैकलाइट टेबल भी बन गया, जिसके ऊपर आप पैनल ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो बॉन्डिंग करने के टाइम पे कॉफ को निकाल के क्लीन करना है, ग्लास क्लीन, वो सब कुछ वर्क जो बॉन्डिंग के रिलेटेड है तो वो इस टेबल के ऊपर हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से दूसरे बैकलाइट टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पर पूरा पैनल जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये XY डायरेक्शन मूविंग माइक्रोस्कोप की मदद से। ये माइक्रोस्कोप की मदद से साइड गेट के ऊपर जाने वाले जो लाइंस है उसको भी देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं वो सोर्स कॉफ के जो डायरेक्ट ट्रैक निकलते हैं उसका व्यू है, जिसके ऊपर हम सारे ट्रैक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्स डैमेज है तो उसको ऑब्जर्व करके पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर का फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम XY डायरेक्शन मूविंग माइक्रोस्कोप की मदद से जंपर लगा के इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सोर्स कॉफ से लेकर साइड गेट तक सारे ट्रैक्स हम प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव दिखाते हैं कि ये जो ग्लू लगा है वो ईजिली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, और क्लीन करना है तो बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्लियर दिखेगा। जो भी ग्लू लगा हुआ है वो आप ईजिली रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पूरे बॉन्डिंग एरिया का ग्लू निकाल दिया है। उसका दूसरा यूज़ ये है कि आप बॉन्डिंग करने के बाद भी उसको चेक कर सकते हैं कि बॉन्डिंग ठीक से हुआ है या नहीं, वो आप माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा बॉन्डिंग एरिया आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो RSDS डेटा की लाइन है, जो कॉफ की SIPO चिप में से निकल के पैनल के अंदर जाती है, तो वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सारे ट्रैक्स SIPO डेटा हैं और यहाँ पे ये कॉफ का बॉन्डिंग एरिया है और वहाँ से जो ट्रैक है पूरा स्क्रीन के अंदर जाता है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा लाइट एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो अभी दिख रहा है वो सारे ट्रैक्स अंदर से जा रहे हैं RGB लाइन के लिए। तो ये सारे ट्रैक्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़िगज़ैग ट्रैक्स हैं। यहाँ पर ये पिक्सल लाइन्स आ गई, यहाँ पर उसके नंबर भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप पूरा RSDS डेटा ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन के बाद आप इसे कंफर्म कर सकते हैं ये प्रॉब्लम है वो लेज़र मशीन के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वो CKV लाइन्स है, जो सोर्स के डायरेक्ट ट्रैक से होके पैनल के अंदर सप्लाई होती है। उसको भी आप ऐसे माइक्रोस्कोप के ऊपर देख सकते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वो इंटरनल साइड गेट है। ये जो लाइन्स है वो CKV लाइन्स है और यहाँ पे SR ब्लॉक में से होके यहाँ पर गेट लाइन बनती है। ये पूरी गेट लाइन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर उसमें कोई पर्टिकुलर गेट लाइन या CKV लाइन्स फॉल्टी है तो उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और CKV लाइन्स का फॉल्ट है तो आप उसको कन्फर्म करके कट कर सकते हैं। हमारा जो KD891 वर्जन 3.0 मशीन है उसमें हमने फ्रंट में CCD माइक्रोस्कोप कैमरा असेंबली लगाई है, जिससे आप स्क्रीन के ऊपर स्केलर PCB के ट्रैक्स का लाइव व्यू देख सकते हैं और कॉफ के PCB साइड के ट्रैक्स को ईजिली अलाइन कर सकते हैं। ये फीचर स्पेशली 45 ईयर्स एज से ऊपर के बॉन्डिंग इंजीनियर के लिए या जिसका आई ग्लास नंबर हाई है उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ी स्क्रीन में हाई जूमिंग में व्यू दिखेगा, जिससे ट्रैक मैच करने में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और PCB साइड बॉन्डिंग करने में भी कंफर्टेबल रहता है। जब ग्लास साइड का बॉन्डिंग कर रहे हो तब फ्रंट साइड PCB ट्रैक व्यू CCD माइक्रोस्कोप कैमरा को साइड में मूव करके रखने के लिए 550mm लंबी SBR रेलगाइड चैनल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको KD891 सीरीज़ के तीनों मशीन्स का पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया है। मेनली ये जो LCD LED पैनल रिपेयरिंग का जो बिज़नेस है, बॉन्डिंग का जो बिज़नेस है, उसके अंदर मेन तीन पैरामीटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का बॉन्डिंग मशीन होना चाहिए, जो कि फ्रेश क्वालिटी का है। दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रेनिंग। तो बॉन्डिंग मशीन लेने के साथ में आपको ये पैनल का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरा पैनल कैसे वर्क करता है, उसके LVDS डेटा के द्वारा LVDS सप्लाई जाते हैं वो टीकॉन सर्किट के ऊपर कहाँ पे इनपुट होते हैं, टीकॉन सर्किट के ऊपर टीकॉन IC कैसे वर्क करती है, VGH, VGL, AVDD ये सारे सप्लाईज कैसे जनरेट होते हैं, गामा सप्लाई का क्या काम रहता है, कॉफ के अंदर ये सारे सिग्नल्स कहाँ से इनपुट होते हैं, और पैनल के अंदर जाके उसकी गेट ड्राइव सर्किट और उसकी डेटा सर्किट है वो कैसे काम करती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हैं। अगर वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आप पैनल के किसी भी प्रकार के फॉल्ट को बेहतर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आपके साथ पूरा कम्युनिकेशन रहेगा, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। हम हमारे बॉन्डिंग मशीन में 2 साल की वारंटी देते हैं। वारंटी ख़त्म होने के बाद भी आपको ये मशीन लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा, क्योंकि हमने मशीन ही ऐसे बनाई है। सो फ्रेंड्स, हमने ये सारी जानकारी जो है वो मैंने आपको फॉरवर्ड की है। और भी ज़्यादा अगर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा दूसरा एक वीडियो है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको ट्रेनिंग के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी जानकारी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी चैनल के सारे टेक्निकल वीडियोज़ की डेली अपडेट मिलती रहेगी और उससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।